हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेंद्र SSV व्लॉग में। आज का भी व्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज पापा घर पे नहीं है और आज घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो आज मुझे अभी जाना है खेत से चारा काट के लाना है और फिर उसको गाय भैंसों को मिल लगाना खिलाने के लिए लेके आना है। तो अब चलते हैं खेत में, काटते हैं चारा और फिर लेके आते हैं। तो आपको लेके चलता हूँ अपने खेत पर। चल रहा हूँ मैं खेत पर अपने। आपको मैंने खेत तो दिखा ही रखा है पहले, और चारा किस पर लेके आते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है जिसमें चारा लेकर आते हैं हम। ये रेडी है। तो गाइस, खेत पर आ चुका हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मुझे चारा काटना है और कौन सा काटना है पहले। तो गाइज, ये खेत हमारा, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे। आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाए थे मैंने, पिछले वाले व्लॉग में आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो। उसमें है, मैंने दिखा रखा है पूरा खेत और हम मैंने दिखा रखा था उसमें कि क्या क्या बो रखा है हमने, ये वगैरह सब। तो ये देख सकते हो आप मेरे पीछे ये सब। और मुझे इधर यहाँ से काटना है, उधर पीछे से काटना है चारा और फिर उसको लेके जाना है घर पे और फिर उसकी कुट्टी करके फिर गाय को भैंसों को खिलाना है। तो पहले तो काटने का सामान ढूंढते हैं, कैसे काटेंगे वो तो चाहिए। तो काटने का औजार ये मिल चुका है मुझे, यहाँ पे रखा हुआ था, ये देख सकते हो। ये है काटने का औजार हमारा, इससे काटते हैं चारा। तो अब चलते हैं और काटते हैं चारा। तो गाइस, पहुंच चुके हैं काटने की जगह और अब यहाँ से काटना है चारा और फिर इसको इसमें भरना है, भर के इसमें लेके जाना है घर पर। ठीक है गाइस, काटते हैं, काटना शुरू करते हैं चारा। आप देखना कैसे काटता हूँ चारा, क्या क्या काम करते हैं गांव में। तो गाइस, अब मैं चारा काटना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से काटना है मुझे चारा। स्टार्ट कर चुका हूँ काटना। तो दोस्तों, थोड़ा सा चारा तो कट चुका है और अब और काट लेता हूँ और फिर काटने के बाद मिलता हूँ आपसे, है ना। तो फ्रेंड्स, चारा कट चुका है और आधा तो मैंने भर भी लिया है काट के, और अब वो रह रहा है उधर वाला बाकी का, उसको भरना है और फिर और थोड़ा सा उधर काटा है तो उसको भरना है और फिर लेके चलते हैं घर की तरफ और फिर इसकी करते हैं कुट्टी। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भर लेता हूँ अभी मैं और फिर चलते हैं इसको लेके घर की तरफ। तो दोस्तों, मैंने चारा भर के बांध लिया है और अब लेके चल रहे हैं इसको घर की तरफ। तो दोस्तों, चारे को लेकर आ चुका हूँ मैं और अब कुट्टी करेंगे इस मशीन से, करते हैं इसकी कुट्टी चारे की। अब देखना आप कैसे कुट्टी करके फिर गाय को डालना है इधर ठानों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलाते हैं मशीन और करते हैं इसकी कुट्टी।
तो गाइस कुट्टी कंप्लीट हो चुकी है और अब इसको एक टोकरा मैंने भर लिया है और अब इसको डाल के आते हैं ठानों में। तो दोस्तों अब चारा डल चुका है और अब है गायों को बांधने का टाइम। तो अब गायों को लाते हैं, बुलाते हैं अंदर और इनको बांधते हैं। वेट कर रही है, खड़ी होके देखो कैसे देख रही है। तो गाइज ये आ चुकी है, चारा खा रही है इधर आकर। ये देखो अपने कीटाणु में चारा खाने लग गई है। अब इनको बांधते हैं। ये देखो गाइज ये सारी गाय चारा खा रही है, तो बांधते हैं अब। देख सकते हो ये गायों के ठाने हमारे। तो दोस्तों सारी गायें बन चुकी है, ये देख सकते हो। ये नंदी भी है हमारे एक, ये बहुत डेंजर है, किसी को पास नहीं आने देता, सिर्फ बांध खोलते टाइम आने देता है ये पास। ये देख सकते हो सारी गायों। ये खा रही है चारा और देख रही है मुझे। देख सकते हो सारी गायों। तो दोस्तों आज के व्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और सूर्य भी अस्त होने वाला है। आप देख सकते हो सामने ये फोकस आ रहा है सूर्यास्त का। ये देख सकते हो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। ये देख सकते हो आप कितना सुंदर आसमान हो रहा है, बिल्कुल साफ मौसम आज, मतलब बिल्कुल कहीं भी बादल वादल नहीं है। और ये देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आया हो तो एक काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।